हेलो दोस्तों, मोहित शॉर्ट वेव एम्पलीफायर सर्किट। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो क्या आपके मोबाइल में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एम्पलीफायर या किसी भी सर्किट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे काम करते हैं, उसकी रेजिस्टेंस वगैरह या फिर कैपेसिटर वगैरह में आपको प्रॉब्लम होती है, यानी कलर कोड से आप उसको पहचान नहीं पाते कितने वैल्यू की है, तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है और बहुत से जो सर्किट है उस पर करेक्ट वैल्यू की रेजिस्टेंस या फिर पॉलिस्टर कैपेसिटर नहीं लगाने की वजह से भी जो है हमारा सर्किट काम नहीं करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट दो एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में जो कि आपके मोबाइल में होना ही चाहिए, और एक आपको शायद प्ले स्टोर पर ना भी मिले तो मैं उसकी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और एंड्रॉयड 5 से भी ये सपोर्टेड है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टॉल कर सकते हैं, अननोन सोर्स को इनेबल करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप इंस्टॉल प्ले स्टोर से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कौन सी एप्लीकेशन है। पहले तो जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेटर, कैलकुलेट कैपेसिटर प्रो नेम से। ये आपको अगर प्ले स्टोर पर ना मिले तो आप मुझको कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले से ही 104 यानी कि कैपेसिटर की जो आप कोड निकालना चाहते हैं, कैपेसिटर के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो आप इसमें, जैसे कैपेसिटर कोई आपके पास मिला है और उसकी कोड जो है वहाँ पर लिखी हुई है लेकिन आप इसकी वैल्यू नहीं जानते, तो कोड यहाँ पर डालते ही यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर देखिए 104 मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ, तो 104 की वैल्यू पिको फ्रेड में इतनी होती है, नैनो फ्रेड में देख सकते हैं 100 नैनो फ्रेड की वैल्यू होती है, माइक्रो फ्रेड में भी देख सकते हैं, तीन जो आपको वैल्यू है इसकी मिल जाती है, पिको, नैनो और माइक्रो, तो तीनों वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्या मैं 472 की जगह 473 लगा सकता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 472 की वैल्यू कितनी होती है। तो 472 जो है पिको फ्रेड में देख सकते हैं 4700 पिको फ्रेड होता है, और नैनो फ्रेड में देख सकते हैं 4.7 नैनो फ्रेड होता है, और मैक्रो फ्रेड में देख सकते हैं कि इतनी इसकी वैल्यू होती है 0.0047 मैक्रो फ्रेड इसकी वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि 472 की जगह 473 लगा दे तो क्या होगा, क्या लगा सकते हैं, तो 473 की वैल्यू देखिए, इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट कर लीजिए कितनी वैल्यू है 472 की, उसके बाद 473 की मैं दिखाता हूँ। तो 473 यहाँ पे इनपुट कीजिए, ओके कीजिए, तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 472 की जगह आप 473 लगाते हैं तो आपकी सर्किट जो है एक्यूरेट काम नहीं करेगी या फिर काम ही नहीं करेगी, इसका ध्यान रखें। और दूसरी एप्लीकेशन है, इसको क्लोज करते हैं, दूसरी एप्लीकेशन है रेजिस्टेंस के लिए, तो ये इस नेम से है रजिस्टर, यहाँ पे 4 बैंड और 5 बैंड, यहाँ पे आप सिंपली कोई भी जो आपके पास रेजिस्टेंस है उसकी कलर कोड यहाँ पे इनपुट कीजिए, और ये जो साइड दूर साइड जो बैंड है ये इसकी टॉलरेंस के लिए है, तो टॉलरेंस की बैंड 3 बैंड से अलग ही होगी, यानी कि दूर काफ़ी थोड़ी दूर रहती है, और यहाँ पे 5 बैंड के लिए है, और ये इस पर टैप करेंगे तो ये 4 बैंड और 5 बैंड पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसमें कोड एंटर करते ही आपकी वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।